जिला बिलासपुर के पांच गांव को जोड़ने वाली सलोवा सड़क और माकड़ी गांव को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि अब बरसात थम चुकी है, लेकिन अब भी ग्रामीण सड़कों पर मात्र पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बरसात व भूस्खलन से प्रभावित सड़कों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं। ग्रामीण लोगों का कहना है कि अब बरसात थम चुकी है, लेकिन ग्रामीण सड़कें भूस्खलन से टूट चुकी है। कई जगह तो सड़क ही गायब है, मात्र पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। जिला बिलासपुर के पांच गांवों को जोड़ने वाली सलोवा सड़क और माकड़ी गांव को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे भूस्खलन से प्रभावित सड़क पर हाथ में डंडे पकड़कर चट्टानों व बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं, जबकि चोट लगने का खतरा भी हर समय बना रहता है। दूसरी तरफ एक बीमार बुजुर्ग को कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की तस्वीरें सामने आई है। ग्रामीण लोगों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि अब बरसात तो थम चुकी है, लेकिन ग्रामीण रास्तों की हालत वैसी की वैसी है। जगह जगह से टूटे हुए रास्ते किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन सड़कों की मुरम्मत की जाए, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी सरकार से इन सड़कों की शीघ्र मुरम्मत की मांग की है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सड़क जो है वो तकरीबन पांच गांवों को जोड़ती है और हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोवा, प्राइमरी स्कूल कनफारा एवं वहाँ की हरजन बस्ती और सभी गांवों को सड़क जो है वो मेन सड़क से जोड़ती है। वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं जो इस सड़क से जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुज़ुर्गों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई रात को बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो वो लोग मेन सड़क को पहुंचने के लिए उनको बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछले कुछ महीनों में वहाँ कुछ स्थानीय लोगों जहाँ स्थानीय लोगों के एक्सपायर भी हो चुके हैं, क्योंकि कुछ बीमार लोग वहाँ मेन सड़क तो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं सके। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ एक लड़की जो है वो सांप के डसने से जो है वो एक्सपायर हो गई, वो मेन सड़क तक हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाई। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, जिसे सरकार को इसको और देखना चाहिए। सरकार से मांग है कि इस और जल्दी ध्यान दें, नहीं तो युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से कैमरामैन राज के साथ मुकेश गौतम की रिपोर्ट।